वेल, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज है होली का दिन और होली के दिन होगी बहुत सारी मस्ती। मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड के घर, जहाँ पे हम मनाएंगे होली, करेंगे बहुत सारी मस्ती और खेलेंगे रंगों से। तो आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है आज के एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग टिल द वेरी एंड एंड ऑल्सो एंजॉय विद अस, लेट्स गो। हाय, हाउ आर यू? हैप्पी होली। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। लेट्स गो। वाओ यार, आई एम सो एक्साइटेड टुडे। व्हाट इज दिस? वी हैव कम, टुडे इज अ होली। आई एम सदा, आई एम वेलकमिंग यू। जो भी आता है उसको थोड़े से टीके से स्वागत करते हैं। एंड यू कैन पुट मी ऑन। ऑफ कोर्स, ये तो रस्म है और ये मैं भी निभा रही हूँ। होली बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल कलर। और सब कहाँ है भाई? अरे वाह, चलिए, ये आपके लिए छोटा सा एक तोहफा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। तो आज तो होली के दिन, यू नो ना, हाँ, घर में भी बहुत पकवान, बहुत सारी गुजिया एंड मालपुए, ये सब बनते हैं। रियली? हाँ। आपने ही बनाए? हाँ हाँ भाई, जाहिर सी बात है, कोविड टाइम्स में तो बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं है। सो हाउ वाज यू नो होली लास्ट ईयर? लास्ट ईयर, यू नो सदफ, लास्ट ईयर होली वाज वेरी क्वाइट एंड ऑल क्लब्स एंड ऑल क्लोज। गवर्नमेंट ओनली, उन्होंने ऑर्डर किया था कि कोई भी क्लब नहीं होगा, नो गैदरिंग। एंड दिस टाइम थोड़ा सा तो है, जैसे अब मिलने आ गई, आप मिलने आई, एंड वी वर सो हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। तो यही है, लास्ट ईयर हम घर में ही थे, माय हस्बैंड, माय टू डॉटर्स, दे वर हियर ओनली, एंड वी सेलिब्रेटेड क्वाइटली। तो मतलब बहुत ही प्राइवेट था, क्योंकि ऑब्वियसली हम कहीं जा नहीं सकते थे, बट इस साल ऑब्वियसली विद ऑल प्रिकॉशंस वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग, मीटिंग ईच अदर, एंड दैट्स सच अ यू नो रिलीफ एक्चुअली। सो फेस्टिवल्स का तो मतलब ही होता है मिलना जुलना आपस में, यू नो, हैविंग फन। बट मैं यहाँ आपको बता दूँ कि विनीता की खासियत ये है कि ये आउटसाइड का कोई सामान नहीं यूज़ करती हैं, शी डज एवरीथिंग DIY, खुद से बनाती हैं, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे वो स्पेशलिटीज हो। सो आई एम गोइंग टू रिवील एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड शी इज गोइंग टू शेयर हर सीक्रेट रेसिपी। यू आर प्रेजिंग मी अ लॉट। बहुत सारे टिप्स और बहुत सारा मजा। तो पहले हम चलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, सबको होली की विश करते हैं और फिर चलते हैं कहाँ? किचन में, राइट? चलिए। और ये तो भाई, ये तो मैं भी करूंगी, सबको छोटा छोटा टीका लगाऊंगी। हाय जेटा, हाय, प्लीज हैव अ सीट। वाओ, सो मच फन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई वाह, यहाँ तो बहुत ज्यादा इंतजाम कर रखा है, दिस इज अमेजिंग। ये लेआउट भाई किसका आइडिया था? ये सब मम्मा इज ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग, बट हु विल टेक मी थ्रू द एंटायर थिंग। भाई कलर्स तो बड़े फैसिनेटिंग लग रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है ये मार्केट से खरीदे हुए हैं। क्यों अनन्या? रियली, दीज आर मेड एट होम, दिस इज अमेजिंग। क्योंकि ज़्यादातर लोग यू नो ऑर्गेनिक कलर्स प्रेफर करते हैं एंड दिस इज समथिंग। तो भाई ये हमको बताइए, ये प्रोसेस क्या रहा? ये सदफ क्या है ना, जैसे गार्डन में, मेरे गार्डन में मैरी गोल्ड है, आप देख रहे हो ये, तो उसको मैं क्या करती हूँ, पेटल्स को वो शेड में ड्राई करती हूँ। इसको इस प्रोसेस को ड्राई होने में 2 to 3 days लगता है। और उसके बाद राइस फ्लावर इसमें मिक्स करके, क्योंकि वो कलर तो आ गया, नेचुरल कलर आ गया, और एल्स यू कैन पुट कॉर्न फ्लावर, आरा रोट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट, इट्स योर डिजायर। मतलब कि अगर ये आप कंज्यूम भी कर लीजिए तो दे वोंट बी हार्मफुल, बिकॉज यू नो दीज आर ऑल किड्स नाउ, यू नो। या, दैट्स वेरी गुड। एंड दिस पिंक वन इज फ्रॉम रोज पेटल्स। ओके,
That's great. Yeah, so ये colors अपने आप आ जाते हैं. हाँ, ये natural color है ना. Yeah. This is natural color. तो ये आपको बहुत ही अमेजिंग टिप मिल गई. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ भी, ये तो मैं नहीं लेती. आई मीन आई नो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फेस्टिविटी, लेकिन बट दिस इज विदाउट एनी. क्या बात कर रहे हैं. या दिस इज ठंडाई. तो इशिता बताएंगी कि इसमें क्या खास है, बताइए. सो बेसिकली दिस इज मेड आउट ऑफ मिल्क. And to be very honest, I don't know the process because then again, mama. So भाई यहाँ पे भी पूरा credit mama को जाता है. Mama is the person behind all this. तो भाई इसका भी process आप बता दीजिए. सदफ ये क्या किया है मैंने, जैसे almonds हो गया, pistachio हो गया, walnut हो गया and melon seeds. ये सब मैंने बहुत तो water में soak करते, but मैंने इसको milk में soak किया. सोक उसमें केसर भी सोक कर दिया. okay. और इसका सोकिंग टाइम इज 4 to 5 hours. एंड देन व्हाट आई वो पूरा उसको स्ट्रेन करके देन आई ग्राइंड इट. और इसको स्ट्रेन करा जाता है. इसमें दूध भी होता है, मिल्क भी होता है, वाटर भी होता है. तो भाई बातें बहुत हो गई और यहाँ पे इतना अच्छा सब कुछ इंतजाम हुआ है, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा. सो आई थिंक होली पे चीयर्स करना बनता है. क्यों भाई, क्या? यस यस प्लीज, आई विल डेफिनेटली. सो हैप्पी होली एवरीवन. अमेजिंग. तो भाई किचन में बन रहा है कुछ खास, जैसा कि आपने मुझे बताया, अभी सीक्रेटली बताया ही है. तो आपको भी मैं जरूर किचन में ले चलती हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल बनाया है. या होली का एक चीज तो होता है, एक तो गुजिया है और एक चीज होता है, वो तो आपके व्यूअर्स बताएंगे क्या होता है. वेल लेट मी आस्क माई व्यूअर्स, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन मैं ज्यादा इस चीज को सरप्राइज नहीं रखती हूँ. लेट्स गो टू द किचन एंड फाइंड आउट आवरसेल्व्स. व्हाट डू यू से? लेट्स गो. ये क्या बन रहा है, ये तो कुछ स्पेशल लग रहा है मुझे. yes, सदफ, ये जो है होली का सबसे बेस्ट पकवान है और ये हमारे यूपी बिहार में इसको जरूर बनाया जाता है होली के लिए. ये है क्या एक्चुअली? पहले मालपुए है. ये मालपुए है, सुना होगा. हाँ हाँ. जो है ये फेस्टिवल में बनना बहुत जरूरी होता है और इसमें तरह तरह की वैरायटी होती है. अच्छा. मैं जो आज बना रही हूँ वो है, इसमें मैदा है, सूजी है. सपोज 2 cup मैदा है तो 1/3 सूजी. अच्छा. और फुल क्रीम में इसको मैंने सोक किया है. अच्छा. फॉर 5 hours. अच्छा. और जब फिर मैंने क्या किया, ये इसके लिए फ्लैट वोक होना चाहिए. अच्छा. डीप वाला, शैलो वाला नहीं ले सकते. अच्छा, क्योंकि अच्छा. वो फिर पूरी जैसा फूल जाए. अच्छा, मतलब शैलो फ्राई होनी चाहिए, डीप फ्राई नहीं. और डीप वोक भी नहीं होना चाहिए. अच्छा. इसके लिए स्पेशल होता है. ओके. उसको बोला जाता है ताई. हाँ हाँ. अच्छा. तो वो बोला जाता है पकमाल हुए. हाँ, तो ये तो मीठा होता है. आप मीठा होता है और ये जैसे मैंने यहाँ फ्राई किया, यहाँ मैंने शुगर सिरप. अच्छा. रखा है. ओके, ओके. जैसे ये क्रिस्प होगा मैं इसमें डिप करूंगी. अच्छा. ओ, ओके. आपको खिलाऊंगी. अरे वाह. और उसके बाद और शुगर सिरप भी ना, जैसे बहुत क्या होता है, पहले से मैंने बना के रखा था. तो इसको आप गरम भी कर सकते हो. अच्छा. गरम गरम खाने के लिए. और फॉर गार्निशिंग थोड़ा सा पिस्ताचियो. अच्छा. फॉर गार्निशिंग ऐसे थोड़ा सा, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है. वाओ. सदफ यू मस्ट ट्राई दिस. ये देखिए भाई, मेरे लिए बन गए हैं मालपुए और अब मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है. और ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ. गरम गरम है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है और उसमें से गार्निशिंग भी ज़बरदस्त करी है विनीता ने. सो हियर आई गो. सुपर डुपर भाई, होली मुबारक अगेन. थैंक यू वेरी मच. लवली लवली, सुपर हिट. होली हो गई है, सोने पे सुहागी और हम जा रहे हैं अब देखने और क्या क्या है तैयारी. तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि मुझे इन्होंने बताया है कि और भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम हुआ है. सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक. ये तो
जबरदस्त तैयारी कर रखी है। नहीं, नहीं, क्या बात, मतलब थोड़ा सा है हमारे स्वागत में हो गया यहाँ पे होली, होली सेलिब्रेशन विद यू। क्या बात है, वाह भी वाह। तो ये सब सब घर पे भरा हुआ है? या अरे वाह, ये तो कमाल है हमारी विनीता का, जबरदस्त सारा कुछ। क्या बात है, बाकी सब लोग कहाँ हैं भाई? कम 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 प्लीज हैव अ सीट, कम से। तो इशिता आप ये बताइए, पहले आप हमको सबसे इंट्रोड्यूस करिए कि कौन आपके ये फ्रेंड्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं अभी, तो आप। सो देयर माय फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज। हाय रनुजे, हाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली टू यू ऑल। तो ये हो गई, कहां से शुरू करोगे बताओ? आप बताइए, हमने मीठा तो चख लिया है भाई ऑब्वियसली, तो लेट्स स्टार्ट विद द यू नो द फूड। ओके, दही भल्ले। ओके, दही भल्ले, तो मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली में कहीं भी कोई जगह जाए, आई थिंक दही भल्ले इज समथिंग व्हिच यू विल नॉट मिस। और होली का भी ये स्पेशल है, दही भल्ले इज स्पेशल फॉर होली। हाउ यू फाइंडिंग इट? फन, इट्स रिफ्रेशिंग एंड इट्स सच अ बिग रिलीफ, यू नो व्हाट आई फील, दैट एट द एंड ऑफ द डे दिस ईयर वी आर फीलिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ एंड व्हिच प्रोबेबली वी हैड नेवर फेल्ट बिफोर। It's like we're appreciating it a little bit more, yes, than we used to. Yes. यहाँ पे कोई मान नहीं रहा है रंगों की, बिल्कुल सब नहा रहे हैं रंगों में, और यही है त्योहार रंगों का, होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। सो आई एम हैविंग सम वंडरफुल टाइम, आई होप यू ऑल ऑल्सो प्ले सेफ होली एंड बी सेफ, बी हैप्पी। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम अगेन, टेक केयर, हैप्पी होली।